नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। जिया खान बहुत अच्छी लड़की थी, उसने कभी मुझ पर पर्सनली या मीडिया में आरोप नहीं लगाए। उसकी फैमिली में कोई काम नहीं करता था। जिया के पास जब तक पैसे थे तब तक ही उसकी फैमिली साथ थी। जब जिया को प्यार और हेल्प की ज़रूरत थी तब उसके साथ सिर्फ मैं था, उसकी फैमिली नहीं। इसी वजह से उसने सुसाइड किया। उसकी माँ कभी अच्छे डॉक्टर के पास लेकर नहीं गई, वो सिर्फ जिया को काम करने के लिए पुश करती थी। उन्होंने कभी जिया के मेंटल इलनेस का ख्याल नहीं रखा। ये बात हाल ही में कोर्ट से बरी हुए एक्टर सूरज पंचोली ने कहा। उनके ऊपर पिछले 10 साल से एक्ट्रेस जिया खान को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चल रहा था। 28 अप्रैल को उन्हें इन सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। इन सब चीज़ों को लेकर उन्होंने हाल ही में बात की। सूरज ने कहा, जजमेंट देख रात पहले सो नहीं पाया था। इतने सालों से मैं जो झेला था वो सब मेरे मन में था। मैं फिर भी जज के किसी भी फैसले के लिए रेडी था। मैंने पूरा ट्रायल फेस किया जिसे किसी ने नहीं देखा था, चाहे मेरी फैमिली ही क्यों ना हो। उम्मीद तो थी कि हम कोर्ट से पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेकर ही बाहर आएंगे। मेरे खिलाफ इनके पास कुछ था नहीं। मुझ पर पूरी तरह से गलत केस डाला गया जिसका सामना करते करते मेरे 10 साल निकल गए। सूरज से पूछा गया कि फिल्म इंडस्ट्री से उन्हें किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। जवाब में उन्होंने कहा, यकीनन सलमान भाई नंबर 1 पर थे। जो उन्होंने मेरे लिए किया है वो किसी के लिए नहीं किया, यहाँ तक कि मेरी फैमिली ने उतना नहीं किया। इसके अलावा मुझे थोड़ा भूषण कुमार सर, रेमो सर और अहमद खान सर से सपोर्ट मिला। हालांकि जैसा सपोर्ट प्रोड्यूसर स्टूडियो को करना चाहिए था वैसा कोई नहीं कर पाया। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।